आइडिया वीडियो जमात 1 से 3 के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की तस्वीरों की मदद से तफरी करने की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और YouTube ऐप की मालूमात, इस वीडियो के बारे में आप अपने ख्यालात हमें ज़रूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालदा दायरे में बैठें। तमाम वालदा को तस्वीर बनाने के लिए कागज दें। दरमियान में मोमी रंग रखें। अब तमाम वालदा को कहानी सुनाएं। कहानी सुनकर तमाम वालदा को कागज पर तस्वीर बनाना है और इसमें रंग भरना है। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। हम जानते हैं कि अगर बच्चे खेल के ज़रिए सीखते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इस खेल को ग्रुप में खेलने से बच्चों में मुकाबले का जज्बा बढ़ता है। आइए इस खेल को समझते हैं। खेल का नाम है अक्षर काटो। इस खेल को खेलने के लिए सबसे पहले आप सभी 2 समूहों में बंट जाइए, साथ ही अपनी टीम का कोई अच्छा सा नाम भी रख लीजिए। मैंने अपनी टीम का नाम रखा है नीम, यानी गुड़ों से भरपूर। हमने अपनी टीम का नाम रखा है पीपल, यानी दिखने में बहुत बड़ा और गुड़ों से भरपूर। अब दोनों टीम अपनी अपनी कॉपी में अपनी पसंद के 10 से 12 अक्षर लिख लीजिए। लिख लिया दीदी, लिख लिया दीदी। शाबाश। तो अब खेल का नियम भी समझ लेते हैं। मैं एक एक करके कुछ अक्षर बोलूंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखे हुए अक्षरों को ध्यान से देखना है और मेरे द्वारा बोले गए अक्षर यदि आपकी कॉपी में लिखे हैं तो उन अक्षरों को काटते जाना है। सबसे पहले जिस टीम के सारे अक्षर कट जाएंगे वह टीम स्टॉप बोलेगी और जीत जाएगी। तो मेरा पहला अक्षर है ल। सारा ला अक्षर कट गया, हमने भी काट दिया। अगला अक्षर है र। अगला अक्षर ज। हमारा दूसरा अक्षर भी कट गया, अरे हमारे पास ज नहीं है। इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहेगा। बीच बीच में बच्चों की कॉपी जरूर देखते रहिए कि वे सही अक्षर काट रहे हैं या नहीं। जैसे ही किसी टीम के पूरे अक्षर कट जाएं, उस समूह के बच्चे स्टॉप बोलेंगे और वह समूह जीत जाएगा। वीडियो में आपने देखा कि ये खेल हिंदी के अक्षरों के साथ खेला गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये खेल उर्दू के हुर्फों के साथ खेल सकते हैं। इस वीडियो का फ़ायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। तस्वीर में जैसे दिखाया गया है इसके मुताबिक कागज़ पर तस्वीर बनाएं। बच्चों को दिए गए हिंदसों के मुताबिक तस्वीर बनाकर जमा करने के सवाल हल करने के लिए कहें। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली, इस तजुर्बे को हमें ज़रूर बताएं।
आज की सरगर्मियाँ यहाँ पर ख़त्म होती हैं। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।